डे वन का ब्लॉग था। और सुबह तो मतलब आज बहुत ही वैसा हो गया था, हमारी ट्रेन छूटते छूटते बह गई, हमारी ट्रेन छूटने वाली थी। तो दीवा एंट्री कर रही है। आपने मुंह मुंह में बोलना है अनाया अनाया। ओ मैं बेबी के लग गया, मैंने पापा के भी लग गया, दोनों के लग गया है इनको। कौन दिखाता है हम दिखा। कपड़े अपने धो के लेके आइए वहां से कैंपस से। अब यहाँ लग गया और अनाया के भी लग गया। अनाया कहाँ लगी आपकी चोट, दिखाओ दिखाओ। अनाया चोट दिखा दो अपनी। ओहो अनाया के देखो चोट लग गई। चुचू करके आएंगे अभी, आप ऐसे करो चुचू करके आएंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे दबाओ बच्चे। हाय गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? अभी हम आए हुए हैं रुड़की, जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है हम उसके वहाँ आए हुए हैं, और यहाँ से हम कल जाने वाले हैं दिल्ली, क्योंकि हमारी ना ट्रेन बस आज छूटने वाली थी, बहुत लेट हो गया था, और वो सब इनकी वजह से होता है हर बार। इधर आओ, वहाँ कैसे छुपके क्या बैठ रखे हो? किसकी वजह से हुआ था वो तो आपको बाद में पता चलेगा, देखने को क्या देखने को क्या पता चलेगा। इन्होंने लेट कर दी थी तो इसलिए लेट हो गया था। और हमारे साथ मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है वो भी आ रही है, तो हम चार लोग अब कल जाएंगे दिल्ली। आज तो ऐसे ही हो गया, पहले हम वहाँ से हम हरिद्वार के लिए ट्रेन थी, फिर हरिद्वार से हमने रुड़की के लिए हमने बस कर ली थी, और अभी हम दीदी के यहाँ पे कैंपस में। दीदी जैसे कि मैंने आपको बताया IIT रुड़की से PhD कर रही हैं, तो हम उनके वहाँ आए और उसने हमारे लिए बहुत टेस्टी वेस्टी अंडा करी एग करी बनाई है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अनाया बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, अनाया बहुत खुश हो गया, उसने सारे टॉयज वॉयज सब निकाल के यहाँ सब बराबर कर दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो भी इतनी शरीफ बन रही है, जो भी है नहीं बिल्कुल। दीदी ये बड़ी वाली दीन से बहुत बार मिल चुके होंगे, जो बहुत ही सुनाती रहती है बोलती रहती है। और ये अनाया, अनाया व्हाट आर यू डूइंग? अना अना हाय गाइस। नहीं ऐसे नहीं, क्यूट क्यूट ऐसे नहीं, ऐसे हाय गाइस। बाबू ऐसे कौन बोलता है? नहीं ऐसे नहीं, मम्मा गुड मम्मा प्लीज। अनाया एग खा रही है एंड ये पापड़ खा रही है, और ये दीदी ने बहुत ही मतलब देखने में इतनी अच्छी लग रही है, अब खाने में तो अच्छी होगी। और यहाँ पे राइस, एग करी, रायता और पापड़ सैलेड सब है, और यहाँ पे अनाया ने सारे टॉयज वॉयज निकाल के सब खराब कर दिया। दीदी ने इतना सही बना के रखा था, इसने सब गंदा कर दिया। दीदी अब इतना ही कर फिर ले लेंगे। तो अभी हम लोग लंच करते हैं, उसके बाद हम दीदी का कैंपस भी हम थोड़ा शाम को घूमने जाएंगे। आज हम यहीं हैं तो कैंपस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम पहले लंच कर लेते हैं, ये बुक्कर तो खाने में लग गए, बस मैं रह गई हूँ, मैं भी खाने लग जाती। ओके तो गाइस हम लोग उठ गए हैं, दोनों की हालत देख सकते हैं, इतना ज़्यादा थक गए थे। एक बस दीदी नहीं सोई थी, बाकी हम सब तो इतने फैल के सो गए थे। अनाया और दीदी नहीं सोई है, बाकी हम सब सोए हैं, और मैं तो आराम से 1.5-2 घंटा सो के। आपकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है क्या? तो अभी भी झूम रहे हैं, थोड़ा बहुत हुई नहीं है। हाँ इतने दिनों की थकान भी निकल रही थी, और अभी जब तक हम सोए थे दीदी ने पास्ता बनाया, व्हाइट सॉस पास्ता, वो लगी है उस टाइम से, देखने में इतना ज़्यादा। दीदी कुछ वो गैस वगैरह में तो नहीं है ना? और साथ में चाय भी बना रखी है, तो अभी हम लोग ना इसको खाते हैं। और हम लोग कैंपस जाने वाले थे, लेकिन फिर अभी थोड़ी देर में जाएंगे, तब तक हम थोड़ा खा लें, हम बस खा ही रहे हैं आके, लगी है। अना अना टेस्टी है अना अना मुझे चलो बाबू चलो। हमने पास्ता खा लिया था जैसे कि आप लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें कर ली थी, उसके बाद अभी बज रहे हैं 7, मतलब हम लोग जल्दी जाने वाले थे। यहाँ पे भी ना बारिश स्टार्ट हो गई थी,
और फिर ये उठ नहीं रहे थे इनको। और आपको पता है कि लेडीजों के पास एक्सक्यूज बहुत होता है हर बात को करने का, तो ऐसा ही हुआ क्या है कि ये इन्होंने इतनी गॉसिप करी, इतनी गॉसिप करी, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, जैसे 10 साल में मिले होंगे ये लोग सेम कंडीशन। तो अभी ना हम, हाँ अभी हम दीदी के कैंपस, दीदी ने हम पहले आगे ही जाने वाले थे बट हम अभी जा रहे हैं, 7 बज रहा है। तो अभी ना आपको मैं कैंपस का दिखाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, IIT रुड़की आपने सुना ही होगा। तो और अनाया यहाँ पे देखो रो रही है, वो जिद कर रही है जाने की कि मतलब मुझे बाहर लेके चलो। अनाया को भी हम लेके जा रहे हैं, हम सब नॉर्मल ऐसे ही हमने पहन लिया है और मैं तो ऐसी हालत भी नहीं थी, तो बस अभी निकल रहे हैं और फिर आपसे ना बाहर का दिखाएंगे पूरा जितना होगा व्यू, क्योंकि ना अभी थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, तो बारिश हुई आज मतलब थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ ओके चलो फिर मिलते हैं। बॉयज वाले हॉस्टल होंगे ना, जेम्स थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज है। सबसे पहले ना ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज ही था, मतलब बहुत पहले थॉमसन के नाम पे, तो इसमें सिविल ही होती थी और धीरे धीरे करके फिर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की बना जिसमें फिर सारा बीटेक आया और फिर लास्ट में ये IIT रुड़की बना। IIT रुड़की शायद 21 सितंबर 2001 में बना है शायद। डिपार्टमेंट में ही मतलब सिविल में हमारे कोर्स होता है, उसी का एक डिपार्टमेंट है, मतलब सिविल का ही सब पार्ट है। रात भी हो चुकी है और लाइट का थोड़ा सा हुआ है, ये आपके लिए ऊपर है। हाँ चामा ने ऊपर पॉटी कर दी है ना। सो गाइज अभी ना हमने काफ़ी कुछ मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो हमने सोचा है कि अब बहुत बड़ा है तो हम सोच रहे हैं कि बीच में ना मतलब ज़रूर नेक्स्ट टाइम आना हम लोग है एक बार जरूर आएंगे और ना दिन में आएंगे तब आप यहाँ की IIT की क्लासेस, IIT कैंपस और लाइब्रेरी वगैरह ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है कि वैसे मेरा तो इतना सपना नहीं था कि मैं IIT में पढ़ूं या ऐसा कुछ, क्योंकि मैं पढ़ने में ज्यादा, लेकिन अगर आप लोगों का सपना है बट लेकिन आप लोगों का सपना है सीरियसली बहुत ही मजेदार जगह है और मतलब यू नो कि आप लोगों को ना देख के मतलब बहुत अच्छा लगेगा जितना भी आपको देख रहे हैं। ठीक है अभी हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं। बट लेकिन ये है कि मैंने जितना सुना था IIT के बारे में कि IIT कैंपस ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब उससे कहीं ज़्यादा मेरे एक फ्रेंड का बहुत ज़्यादा मजा आया और वो सब किसके रीज़न से हुआ, नीलम जी की वजह से हुआ। वो देखो हमने डिनर कर लिया है और हम लोग जो कैंपस देखने गए थे वहाँ से हम लोग 8:30 या 9:30 बजे पहुँचे थे रूम पे। बहुत ही बड़ा है, हमने इतना घूमे फिर भी आधा रह गया है और रात हो गई थी तो हम ज़्यादा शूट करने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी जितना जो पॉसिबल था या जहाँ हमने किया है और तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने सोचा है कि हम नेक्स्ट टाइम ना पूरा टाइम निकाल के अच्छे से प्रॉपर आप लोगों के लिए शूट करेंगे। और सुनील तो सो गए हैं, फिर भी यहाँ पे सो रही है, वो बिग बॉस देख रही है और दीदी अपनी पैकिंग कर रही है कल के लिए। हमें कल दिल्ली निकलना है, सुबह 7:30 ऐसे बजे निकलना है और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है। वैसे हम लोगों ने दीदी कैंटीन वैंटीन में ही खा लिया था, बर्गर वगैरह और पैटीज़ वगैरह खा ली थी। और अनाया अभी तक नहीं सो रखी है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम यहाँ पे दिल्ली में 3-4 डेज मतलब अभी रहने वाला है,
तो ना हम मैंने सोचा है कि मैं पर डे का डेली डे वन डे टू डे थ्री डे फोर ऐसे करके ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये डे वन का ब्लॉग था और सुबह तो मतलब आज बहुत ही वैसा हो गया था, हमारी ट्रेन छूटते छूटते बह गई, हमारी ट्रेन छूटने वाली थी तो उसकी वजह से मैं स्टार्टिंग का नहीं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन उसके बाद का जितना थोड़ा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हम लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे थे तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, और कल सुबह 7:30 बजे हमें दिल्ली के लिए निकलना है। कल डे सेकेंड का ब्लॉग आएगा, फिर दिल्ली में हम क्यों जा रहे हैं उसका रीज़न मैं आप लोगों को कल बताऊँगी, मतलब कल के ब्लॉग में बताऊँगी। और बाबू बर्ड कम 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 रोजनी से तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल सोच के आई हूँ। तो या गाइज मैं इस ब्लॉग को ये एंड करती हूँ बिकॉज 1:30 हो गया है, और अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मिलती हूँ आप सबने कल नेक्स्ट ब्लॉग में मॉर्निंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 गाइज, एंड आई से बाय।